जय हिंद दोस्तों, टारगेट गवर्नमेंट जॉब में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज जो रिक्रूटमेंट आई हुई वो हाई कोर्ट से आई हुई है, राजस्थान के हाई कोर्ट से जोधपुर। ठीक है, और जूनियर पर्सनल असिस्टेंट्स की वैकेंसीज निकली हुई पोस्ट पे। तो आइए हम इसके बारे में जानते हैं, इम्पोर्टेंट डेट्स क्या रहेंगी, क्या क्राइटेरिया रहेगा, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगेंगी, एज लिमिट क्या है, और साथ ही जानेंगे एग्जाम फी कितनी रहेंगी। तो आइए हम अपना इम्पोर्टेंट वीडियो आज का शुरू करते हैं। तो ये जो वैकेंसीज आई हुई राजस्थान हाई कोर्ट की तरफ से आई हुई है, जो कि जूनियर पर्सनल असिस्टेंट्स पे पोस्ट पे वैकेंसीज आई हुई, जो इसकी इम्पोर्टेंट डेट्स है ये 26/8/2019 से ये रिक्रूटमेंट चालू हो गई है, एप्लीकेशन स्टार्ट हो गई है फॉर्म भरना, और फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वो 16/9/2019 है। ठीक है फ्रेंड्स, आइए हम आगे देखते हैं, एप्लीकेशन फी की बात कर लेते हैं। एप्लीकेशन फी आप देख रहे होंगे यहाँ पे, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए ₹650 फी लग रही है, और ओबीसी एनसीएल है यानी नॉन क्रीमी वाले जो हैं उनका लग रहा है ₹550। SC ST PS कैंडिडेट्स वाले के लिए ₹400 यहाँ पे फी लग रही है एप्लीकेशन फी। फी आप पेमेंट कर सकते हैं थ्रू डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड से। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे वैकेंसीज जो है वो 69 पोस्ट पे वैकेंसीज निकली हुई है, जो कि सारे पर्सनल असिस्टेंट्स की वैकेंसीज आई हुई है। तो इसकी हम बात कर लेते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, क्या क्वालिफिकेशन रखी गई है, क्या क्या आपको एज लिमिट है, ये सब बात कर लेते हैं। तो ये पोस्ट का नाम है पर्सनल असिस्टेंट्स, जूनियर पर्सनल असिस्टेंट है, टोटल 69 पोस्ट है। इसकी जो एलिजिबिलिटी है वो बैचलर डिग्री रखी गई है, बैचलर डिग्री कॉमर्स साइड से होनी चाहिए, विद 50% मार्क्स आपके होने चाहिए। और सेकंड जो है बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम कॉमर्स वालों के लिए यहाँ पे 5% की छूट मिल जाती है, यानी 50%, और बाकी और किसी स्ट्रीम से हो तो आपको 55% मार्क्स चाहिए होंगे ग्रेजुएशन के समय। देख सकते हैं यहाँ पे आप, और साथ ही हम इसकी बात कर लेते हैं एज लिमिट की। तो एज लिमिट रखी गई है इसमें 18 साल से मैक्सिमम एज है, और सॉरी मिनिमम एज 18 साल है और मैक्सिमम एज 40 साल तक जा सकता है। ठीक है, और SC ST OBC कैंडिडेट वाले के लिए एज रिलैक्सेशंस है, मैं आपको नोटिफिकेशन इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन दे दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से डाउनलोड करके देख सकते हैं। ठीक है, अब वैकेंसीज की बात कर लेते हैं, कैटेगरी वाइज कैसे कैसे डिवाइडेड है। तो यहाँ पे देख रहे होंगे आप, जनरल जनरल कैटेगरी के लिए 70 सीट है, 17 सीटें हैं, ओबीसी के लिए 8 सीटें हैं, एमबीसी के लिए 2 सीटें हैं, ईडब्ल्यूएस वाले के लिए 4 सीटें हैं, एससी के लिए 22 सीटें और एसटी के लिए 16 सीटें, ये टोटल सीटें मिला के 69 हो जाती हैं। ठीक है, जो भी कैंडिडेट्स इसमें इंटरेस्टेड और जो भी एप्लीकेबल हो फॉर्म भरने के लिए वो ज़रूर अप्लाई करें। ठीक है, और साथ ही मैं आपको बता दूं, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा, ताकि आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।